25,000 सब्सक्राइबर्स। मैं एक्साइटेड हूँ, मोटिवेटेड हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। 25,000 सब्सक्राइबर्स एक बहुत बड़ा नंबर नहीं दिखता, बट आज की तारीख में YouTube पे ग्रो करना ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है, स्पेशली जब इतने सारे अमेजिंग क्रिएटर्स आ चुके हैं YouTube पे। अगर आप कोई चैनल को ज़ीरो से ग्रो करते हो तो वो काफ़ी काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी टाइम जाता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आज हम लोग 25,000 सब्सक्राइबर्स पहुँचे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। मैं खुश हूँ कि मैं जो भी कंटेंट या कोई भी वीडियो जो बना रहा हूँ वो आप लोगों को होपफुली हेल्प कर रहे हैं एक बेटर डिज़ाइनर ओवरऑल बनने के लिए। जैसे कि मैंने ये जब चैनल स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है इतनी, मैं बहुत बार तुम करके बात करता हूँ, जैसे बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि तुम्हें आप करके बोलना चाहिए। मैं तुम बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मुंबई से हूँ तो यहाँ पर हम हमारे फ्रेंड्स के साथ तुम बोल के ही बात करते हैं, बट जैसे कि अभी आपने मेरे सब वीडियोज़ में देखा होगा कि मेरी हिंदी जो है इम्प्रूव हो रही है, और बस यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये रिस्पांस देख के, आप लोगों का सपोर्ट देख के। और हमारा जो अगला गोल है वो है 50,000 सब्सक्राइबर्स का, एंड आई नो कि हम लोग बहुत ही जल्द उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बस यही था, आप लोगों को बस थैंक्स बोलना था कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया अभी तक, और आई होप कि आगे भी करते रहोगे, आई होप कि मेरे वीडियोस आपको और भी ज़्यादा हेल्प करते जाएंगे अपने क्रिएटिव जर्नी में, और हेल्प करेंगे आपको एक बेटर डिज़ाइनर बनने में। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, वो मैं सब कुछ शेयर करूँगा इस चैनल पर, एंड साथ में ग्रो करेंगे। तो इसी के साथ चलिए आज का जो मेन ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने 25,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए थे, तो तब मैंने एक छोटा सा आर्टवर्क बनाया था एज अ थैंक यू आप सभी के लिए, और काफ़ी लोगों को वो डिज़ाइन या आर्टवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो चाहते थे कि मैं उस डिज़ाइन पे एक ट्यूटोरियल बनाऊं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस टेक्निक को यूज़ करके हम वैसे टाइप के आर्टवर्क बना सकते हैं। अब हम लोग एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं बनाएंगे क्योंकि उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मैं जो मेन उसका कंसेप्ट है वो डिज़ाइन करना आपको बताऊंगा, ताकि आपको वो आ गया तो आप उसको अपने वे में यूज़ करके और भी अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो। और मेरे जो कंप्लीट चैनल का जो गोल यही है कि आपको मैं ए टू जेड बस एक ट्यूटोरियल को फॉलो करना ना सिखाऊँ, बट एक कॉन्सेप्ट को कैसे आप अपने वे में यूज़ कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट या एक क्या बोलते हैं उसे, एक मेथड आपको समझाओ या सिखाओ, जिससे आप लोग उस मेथड या उस कॉन्सेप्ट को अपने डिज़ाइन में, अपने वे में, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करके अपना एक खुद का स्टाइल डालकर उसे बना सकते हो। तो इसी तरह मैं आपको वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हम वो लुक अचीव कर सकते हैं, फिर आप उसे अपने डिज़ाइन में यूज़ करके पोस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और जहाँ पर भी पोस्ट करो यार मुझे ज़रूर टैग करना, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे फॉलो भी कर देना dope.motions पे और निखिल पवार पे। निखिल पवार मेरा पर्सनल प्रोफाइल है जहाँ पे मैं कुछ पर्सनल चीज़ें पोस्ट करता हूँ, और डोप मोशंस पे मैं ज़्यादातर काम के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता हूँ, स्पेशली स्टोरीज़ में मैं बिहाइंड द सीन्स काफ़ी सारे पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग को वो चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करता है, इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, एनीवेज लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर है हम लोग फोटोशॉप के अंदर, स्टार्ट करते हैं क्रिएट करके एक न्यू डॉक्यूमेंट। जो मैं साइज़ लूँगा वो होगा 3840x2160, जो कि एक 4K साइज़ है। आप लोग जो भी साइज़ लेना चाहो वो ले सकते हो। रिजोल्यूशन सेट है 300 पर, कलर मोड सेट है RGB पर 8-bit, और अगर मैं एडवांस ऑप्शंस में जाऊँ तो यहाँ पर मैंने sRGB कलर मोड सेलेक्ट रखा है जो कि डिफ़ॉल्ट होगा। सो इसे मैं नाम दे दूँगा डिज़ाइन, क्लिक करेंगे क्रिएट पर, हमारा जो न्यू आर्ट बोर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा,
और क्रिएट करूंगा एक न्यू सॉलिड कलर जो कि हमारा बैकग्राउंड होगा। यहाँ पर मैं जो भी कलर लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक अच्छा सा पर्पल बैकग्राउंड ले रहा हूँ। क्लिक करेंगे ओके पर। फिर मैं एक टेक्सचर यूज़ करूँगा जो कि मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप लोग ये सेम कार्डबोर्ड का कार्डबोर्ड टाइप पेपर टेक्सचर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसे हम इस तरीके से बड़ा कर देंगे और बड़ा करने पर ये थोड़ा सा पिक्सलेटेड होने की चांसेस है। तो सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा फिल्टर में, शार्पन, और शार्पन कर दूंगा थोड़ा सा। और फिर इसको हमें ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं जाऊँगा एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँगा यू एन सैचुरेशन की। सैचुरेशन को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके ऊपर मैं ऐड करूँगा एक लेवल्स। अब इसको मैं ट्वीक करके थोड़ा सा इंटेंस कर दूंगा ताकि जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो थोड़े से बढ़ जाए और हमें कुछ इस तरीके का एक लुक मिल जाता है। अब मैं इन तीनों ही लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूंगा। और फिर इसे हम नाम दे देंगे टेक्सचर, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा मोड्स में जो कि ब्लेंडिंग मोड्स है और इसे मैं सेट कर दूंगा मल्टीप्लाई पर। सो हमें बहुत ही कूल सा एक टेक्सचर मिल जाता है। अब मैं चाहूँ तो इसकी जो ओपेसिटी है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ अगर मुझे इतना इंटेंस बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो, बट आई लाइक टू गो विद समथिंग, इसे सेट करते हैं 85 पर ताकि ये कुछ इस तरीके से दिखे। और फिर से दोबारा मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा फिल्टर शार्पन में और करूँगा शार्पन मोर इस बार। सो ये काफ़ी अच्छा सा और शार्प हमें बैकग्राउंड मिल जाता है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जो भी हमारा लोगो है या टेक्स्ट है जो भी आप लोग यूज़ करना चाहो वो ले सकते हो। मैं यहाँ पर ये लोगो यूज़ कर रहा हूँ एप्पल का, तो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। बट अभी आप लोग देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी फ्लैट दिख रहा है, तो हमें इसमें थोड़ी सी डेप्थ ऐड करनी है। तो डेप्थ ऐड करने के लिए हम लोग इसके जो हाइलाइट्स एंड शेडोज़ है वो क्रिएट करेंगे जिससे एक थ्री डिमेंशन डेप्थ आ जाएगी पूरे बैकग्राउंड के अंदर। तो उसे क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। अभी के लिए मैं लोगो को हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर बानी उठ गई। एनीवे सो स्टार्ट करते हैं क्रिएट करके एक न्यू लेयर। इसे मैं नाम दे दूंगा हाईलाइट, ठीक है। फिर बी प्रेस करके ब्रश टूल सिलेक्ट करूंगा, इसे इस तरीके से बड़ा कर देंगे और मेक श्योर करना है कि जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो वाइट पे हो यहाँ पर। और फिर मैं जूम आउट करके थोड़ा सा ब्रश को बढ़ा करके इस तरीके से क्लिक करूंगा तो हमें ये। फिर मैं जाऊंगा ब्लेंडिंग मोड में और इसे सेट कर दूंगा सॉफ्ट लाइट पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेंड होगा हमारे कलर के साथ। अब इसी तरह से मैं एक और एक लेयर बनाऊंगा, इसे मैं नाम दे दूंगा शैडो, ठीक है। हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे या एक्स भी प्रेस कर सकते हो जिससे ये स्वैप हो जाएगा और जो फोरग्राउंड कलर है वह ब्लैक हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ जाकर इस तरीके से क्लिक कर दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा मैन्युअली भी शेडोज क्रिएट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और फिर मैं जाऊँगा ब्लेंडिंग मोड में और इसे सेट कर दूंगा सॉफ्ट लाइट पर, एंड बूम, हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक बैकग्राउंड मिल जाता है। अभी आप लोग देख सकते हो कि ये इतना ज़्यादा फ्लैट नहीं दिख रहा है। तो अब जाके मैं अपना लोगो ऐड कर दूंगा और चलिए अब स्टार्ट होता है सबसे मज़ेदार पार्ट। तो सबसे पहले मुझे इस लोगो को एक कलर ऐड करना है, तो सिंपली मैं जाऊंगा एफएक्स में, ऐड करूंगा एक कलर ओवरले। सो ये ब्लू काफ़ी एक अच्छा कलर दिख रहा है मुझे। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा इस टोन में लेके जा सकता हूँ। क्लिक करेंगे ओके और फिर राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैं जो हमारा टेक्सचर था उसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लीकेट कर लूंगा, इसके ऊपर इस तरीके से लेके जाऊंगा और इन एक्चुअली दोनों ही लेयर को हम सबसे ऊपर रखेंगे। और चलिए पहले तो जब सब बैकग्राउंड लेयर्स को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप बना देते हैं कंट्रोल जी प्रेस करके। इसे मैं नाम दे देता हूँ बीजी बैकग्राउंड के लिए। और यहाँ पर है हमारा टेक्सचर, इसे मैं राइट क्लिक करके कर दूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क ताकि ये टेक्सचर जो है ये सिर्फ हमारे लोगो पे इफेक्ट हो। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और इसे थोड़ा सा छोटा कर लूंगा ताकि ये टेक्सचर कुछ इस तरीके का दिखे और ये अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है तो हमें इसमें कुछ डेप्थ ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा इफेक्ट्स में और ऐड करूंगा एक ड्रॉप शैडो। अब हम दो टाइप के ड्रॉप शैडोज क्रिएट करेंगे। पहले तो होगी जो एक कॉन्टैक्ट ड्रॉप शैडो जिसे हम लोग कहते हैं जो कि एकदम छोटी होती है और बहुत ही इंटेंस होती है, तो सिंपली हमें इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे इस तरीके से। और जो डिस्टेंस है वो भी मैं अराउंड 40 के अराउंड ठीक लग रहा है मुझे। साइज को मैं कम ज़्यादा करके थोड़ा सा देख सकता हूँ इस तरीके से,
ये काफी सही लग रहा है मुझे। ठीक है, फिर मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा जिससे एक डुप्लीकेट बन जाएगा इस ड्रॉप शैडो का, और ये जो होगा ये एक फादर या एक बड़ी शैडो होगी। तो इसे मैं सिंपली डिस्टेंस इसका बढ़ा दूंगा इस तरीके से, और जो साइज है वो भी काफी ज्यादा बड़ा कर दूंगा, और इंटेंसिटी हम लोग कम ज्यादा करके देख सकते हैं। तो ये काफी बेटर लग रहा है। डिस्टेंस में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। सो अभी आप लोग देख सकते हो कि शैडो कितनी ज्यादा बेटर दिख रही है, काफी अच्छा एक डेप्थ आ रहा है। पर जैसे कि मैंने कहा, इसमें अभी भी हमारा जो लोगो है वो फ्लैट है, तो उसके लिए हम लोग अगेन इस पे भी हाइलाइट्स और शैडोज क्रिएट करेंगे उसी तरह जिस तरीके से हमने बैकग्राउंड पे क्रिएट किया था। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि आप जितने भी डिजाइन में एलिमेंट्स बनाओगे, उन सभी एलिमेंट्स में ये जो स्टेप है जो हम लोग करते हैं कि टेक्सचर ऐड कर रहे हैं, फिर ड्रॉप शैडो ऐड करेंगे, फिर हाईलाइट और शैडोज क्रिएट करेंगे, ये हर एक एलिमेंट में आपको अलग से करनी होगी। तो जितना कॉम्प्लेक्स आपका डिजाइन होगा उतने बार आपको ये चीज रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट करूंगा एक न्यू लेयर, और इसे मैं नाम दे देता हूँ हाईलाइट, या एक ही पे हम लोग हाईलाइट्स और शैडोज दोनों भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे एज एंड एस नाम दे देंगे, हाईलाइट्स एंड शैडोज। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट करूंगा ब्रश टूल, और इस तरीके से मैं छोटा कर दूंगा, और मुझे शैडोज चाहिए अराउंड यहाँ पर इस तरीके से, ठीक लग रहा है। और फिर एक्सप्रेस करके मैं इसको रिवर्स कर दूंगा ताकि हमारा फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो जाए, और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से हाईलाइट्स ऐड कर दूंगा, और फिर मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो सेट कर दूंगा सॉफ्ट लाइट पर। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा सटल लग रहा है, मुझे और थोड़ा इंटेंस करना है इसे, तो मैं थोड़े से हाईलाइट और ऐड कर दूंगा, और एक्सप्रेस करके थोड़ी सी शैडो भी और ऐड कर दूंगा इस तरीके से। तो आप लोग अभी आप लोग देख सकते हो कि बिफोर और आफ्टर कितनी अच्छी डेप्थ आ गई है पूरे लोगो के अंदर। अब मुझे इसकी स्पेक्युलर हाईलाइट बनाना है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा इफेक्ट्स में, ऐड करूंगा एक बेवल एंड एम्बॉस, जिसे हमें बहुत ही कूल सा एक रिम लाइट काइंड ऑफ इफेक्ट मिल जाता है। तो सिंपली मैं इसे पहले तो रोटेट कर दूंगा क्योंकि हमारा जो लाइट सोर्स है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो डेप्थ है उसे हम लोग 375 पे सही लग रहा है मुझे, तो इसे यहीं पे रख देंगे। और जो ओपेसिटी है स्क्रीन की हाईलाइट की, वो मैं थोड़ी सी कम ज़्यादा करके देख सकता हूँ कि मुझे कहाँ पे वो सही लग रहा है। तो अराउंड 70% मुझे सही लग रही है। ठीक है, और डेप्थ भी काफ़ी ठीक है, मैं ज़्यादा ही बढ़ा दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। तो अराउंड 400 के अराउंड मुझे सही लग रहा है। यस, दैट्स लुकिंग गुड, हिट ओके। अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट बना लूंगा। फिर ये जो हमारी सेकेंड जो डुप्लीकेट बना था उसको मैं उसमें से सभी इफेक्ट्स मैं निकाल दूंगा। ठीक है, और फिर इसे मैं सबसे ऊपर लेके जाऊंगा इस तरीके से, और फिर हमें कंट्रोल होल्ड करके, जैसे ये आइकन चेंज हो जाता है आप लोग देख सकते हो, इसका एक सिलेक्शन बना लूंगा, जाऊंगा सिलेक्ट मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट में। अब मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा बाय अराउंड 8 पिक्सल्स, या 8 पिक्सल्स विल बी गुड, ओके करूंगा। और मार्की टूल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट इनवर्स कर लूंगा, और सिंपली यहां पर जाकर लेयर मास्क क्रिएट कर दूंगा। इससे हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक स्ट्रोक मिल जाता है काइंड ऑफ, यू नो, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं जाऊंगा फिल्टर में ब्लर, और इस पे ऐड करूंगा एक गाजियन ब्लर। मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ताकि हमें जो लुक है वो दिखे कि किस तरह का लुक हमें मिल रहा है। तो अराउंड इसे सेट करते हैं 80 पर, हिट करेंगे ओके। फिर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, और इसकी ओपेसिटी है वो काफ़ी मैं कम रखूंगा, अराउंड लेट्स गो 50%। एक ऑप्शनल लुक है बट इससे काफ़ी अच्छा एक रिम लाइट हमें मिल जाती है कंप्लीट लोगो के अराउंड। और यस, दैट्स इट, फाइनली हमारा जो कंप्लीट डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अगेन आप लोग चाहो तो उसका कलर चेंज कर सकते हो, लोगो को चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। अब मैंने ये लोगो के साथ ये डिज़ाइन बनाई है, बट आप लोग एक टेक्स्ट के साथ भी इसे बना सकते हो। आप जो भी एलिमेंट चाहो उसके साथ आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ अ रैप गाइस, आई होप आप लोग को आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपको ये टेक्निक हेल्पफुल लगी या नहीं। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।